हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एमपी एडीपीओ का। तो यहाँ पर आप सभी ने जो भी अप्लाई किया है मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के लिए, जो भी कैंडिडेट्स ने यहाँ अप्लाई किया है, उन सभी के एग्ज़ाम 19 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर देख लेना है, ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो आपको पता चल सके किस तरह का और किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एडीपीओ का है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखें, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें दूसरे कैंडिडेट्स के पास भी। और अगर आपने अभी तक कानूनी कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमपी एडीपीओ का। तो यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मैं वीडियो बताऊँगा इंग्लिश, जो भी वीडियो होंगे यहाँ पर इंग्लिश में होगा और साथ में हिंदी में भी दिया हुआ है, जिसे आप इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी 150 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इस वीडियो में, 150 क्वेश्चन आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर है, बाई विच अमेंडमेंट द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वेयर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, टू द एप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू क्वैश द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ पब्लिक ऑफिस इज। तो क्वाय वारंटो, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर है, द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे बी इनलार्ज्ड बाय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर है, द सुप्रीम कोर्ट रिकोगनाइज द ट्रांसजेंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा केसेस में ट्रांसजेंडर को रिकोगनाइज किया गया था। तो यहाँ पर इंडियन लीगल अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट्स टू डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो कौन सा केस जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स से रिलेटेड है। तो विकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ एमपी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्लॉज फाइव ऑफ आर्टिकल 15 वाज इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 15 क्लॉज फाइव को ऐड किया गया था, तो किस अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर 93 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा केस है जो प्रीएम्बल का जो है पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो री बेरुबारी केस जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर एट है, विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली और कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द डॉक्ट्राइन। तो इनमें से कौन सा डॉक्ट्राइन से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। तो द कलरेबल लेजिस्लेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिराइव्ड इन इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो लिया गया था वो किस कंट्री से लिया गया था। तो यहाँ पर USSR, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टेन क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर टेन को यहाँ पर डिलीट किया गया है, डेट मीन्स ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो इसे हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है इलेवन क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अपना पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ट्वेल्व आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। तो आर्टिकल 217 में वो किससे रिलेटेड करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है 14, अ बिल इज मनी बिल और नॉट, हु डिसाइड। तो ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये किस में दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल में। तो आर्टिकल 316 यानी आर्टिकल 316 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16, आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड करता है 301, तो फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर है, इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो किस आर्टिकल के तहत में ये स्टेब्लिश किया गया है, तो आर्टिकल 263, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, द केस लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट टू मैरिज से रिलेटेड करता है ये, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट है 19, अ प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कोई भी प्रोमिस जो किया जाता है डेब्ट के अंतर्गत में कि वो टाइम के अंतर्गत में ही पे कर देना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट
20 क्वेश्चन नंबर है काउंटर ऑफर इज, तो काउंटर ऑफर क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ द ऑफर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21, एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड, हैंस माइनर इज नेवर अलाउड टू इन्फोर्स सच एग्रीमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर है एन एग्रीमेंट बाई फ्रॉड इज, तो जो एग्रीमेंट बाई फ्रॉड होता है वो क्या होता है, वाइडेबल होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर है वेन अ पर्सन मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट बिलीविंग इट टू ट्रू एंड डज नॉट इंटेंड टू मिसलीड दी अदर पार्टी द टू द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉन एज मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन नंबर है कोरिजन इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कोरिजन जो किस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, तो सेक्शन 15 में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी, तो जो प्रपोजल को एक्सेप्ट होता है वो क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज आई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इफ, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि एग्रीमेंट इज इन राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर नियर इन रिलेशनशिप, एग्रीमेंट इज मेड ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष केस इज रिलेटेड टू, तो एक किस केस से रिलेटेड करता है, तो इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच, तो इनमें से कौन सा पेयर है वो डज करेक्ट मैच नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 38, ये रॉन्ग मैच किया हुआ है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 30 क्वेश्चन नंबर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड टू, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड करता है हॉल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बट अगर अभी ये क्वेश्चन पूछेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, द हॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31 क्वेश्चन नंबर, कंसेंट फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, तो कंसेंट को फ्री कब कहा जा सकता है, जब वो बाय कोरिजन अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड नहीं होना चाहिए, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट पार्टी इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन, तो यहाँ पर रीजनेबल अमाउंट बट नॉट मोर देन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट प्ली ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस मे बी रेज्ड, तो क्या होगा ये, वॉलनी बाय द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो काउस्ड, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अंडर इंडियन लॉ कंसिडरेशन मे बी, तो कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग हैविंग सेम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1892 कैम इन टू फोर्स, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब आया था, 1 जुलाई 1892 को आया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, फॉर अटेस्टेशन हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड, डेट मीन्स अटेस्टेशन में कितने रिक्वायर होते हैं विटनेसेस, तो टू और मोर हो सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 37 है अंडर द एक्ट 1882 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कौन सा है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, तो ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38, इंप्रूवमेंट टू मॉर्टेज्ड प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड इन विच फ्लोइंग सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 63A, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर दिया विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ लिविंग पर्सन अंडर द टीपी एक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइडल। नेक्स्ट है 40, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड अंडर टीपी एक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी विच हैज नॉट बीन प्रोविटेड बाई लॉ फॉर ट्रांसफर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 41 है अंडर सेक्शन 7 ऑफ टीपी एक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट इन एवरी सर्कमस्टांसेस द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी हिज ऑन, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अ ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी विद द कंडीशन डेट बी सेल नेवर ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू एनी वन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, लॉफुल बट द कंडीशन इज वॉइड, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द टीपी एक्ट रिगार्डिंग एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर इज, तो क्या होना चाहिए वो, तो 18 ईयर्स होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44, ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन डेट बी सेल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर द लीज इज, तो ये लीज कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो। नेक्स्ट 45 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एन अनबोर्न पर्सन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द टीपी एक्ट, तो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 13, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 46 है अंडर सेक्शन 30 ऑफ टीपी एक्ट इफ़ द अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज नॉट वैलिड द प्रायर डिस्पोजिशन इज, तो क्या होता है ये, नॉट अफेक्टेड बाई इट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विथ इंटेंट टू डिफिट और डिले द क्रेडिटर ऑफ द ट्रांसफरर और ट्रांसफर बींग अ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर शैल बी वाइडेबल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 है मेसने प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड, तो मेसने प्रॉफिट क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो इंप्रूवमेंट मेड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 है विच अमंगस्ट द फ्लोइंग इज नॉट अ सिविल नेचर सूट, तो इनमें से कौन सा है वो सिविल नेचर सूट नहीं हो सकता है, तो सूट रिलेटिंग टू एक्सपल्सन फ्रॉम कास्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है इन विच सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड इंटर प्लीडर सूट इज गिवन, तो इंटर प्लीडर सूट कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 88, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 विच अमंगस्ट द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, तो इनमें से कौन सा जो ग्राउंड नहीं हो सकता है रिजेक्ट का, वेयर प्लेंट फाइल्ड इन अ कोर्ट विच इज इनकम्पिटेंट टू ट्राई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है रिटर्न स्टेटमेंट में बी फाइल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ समन विद इन, यानी जो समन भेजा जाता है उसके बाद किस कितने दिनों के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया जा सकता है, फाइल किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सब्सिस्टेंस अलाउंस टू द जजमेंट डेब्टर अंडर CPC अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 57, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 है इफ़ एन इंडिजेंट पर्सन सक्सीड इन द सूट फ्रॉम होम द कोर्ट फीस विल बी रिलाइज्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 व्हेन अ सेकेंड अपील अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बिफोर द हाई कोर्ट मे बी प्रीफर्ड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑन अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, डेट मीन जो सेकेंड अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन के ऊपर अपील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कैवेट रिमेन इन फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स लॉजिंग, यानी जो कैवेट है वो कब तक वहाँ पर रह सकता है, तो 90 डेज तक इसका इनफोर्स रहने का डेट है, तो 90 डेज होगा जब से ये लॉज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58 अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 लैंग्वेज ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट इज डिक्लेयर्ड बाई, तो जो लैंग्वेज होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट का वो किस में किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 है अ सूट ऑफ अ माइनर इज इंस्टीट्यूटेड बाई, तो नेक्स्ट फ्रेंड ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज प्रोवाइडेड अंडर, तो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 61 है इफ द प्लेंटिफ डज नॉट अपियर बिफोर द कोर्ट व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग द सूट विल बी डिसमिस्ड, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 है इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 समरी प्रोसीजर इज प्रोवाइडेड इन, तो समरी प्रोसीजर किस में प्रोवाइड किया जाता है, ऑर्डर 37 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 63 अंडर ऑर्डर 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बिन प्रोवाइडेड, तो समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस अंडर 16 में जो है ऑर्डर 16 में ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 64 है व्हेन अननेसेसरी पर्सन आर ज्वाइंड एज पार्टीज टू द सूट इज कॉल्ड, तो इसे भी ज्वाइंडर कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है इफ अ पर्सन वॉलेंटियरली पार्टिसिपेट्स इन अ स्पोर्ट एंड रिसीव ग्रेव इंजरी ही हैज, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नो क्लेम इन टॉर्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66 ए गिव्स लिफ्ट इन हिज कार टू बी फॉर अ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन एंड ऑन द वे टू नेग्लिजेंस ऑफ ए एन एक्सीडेंट इज कॉज्ड ए हैज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए लीगल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बी एंड इज ऑल्सो लाइबल फॉर डैमेजेस, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67 टॉर्ट इज डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज एन एक्शन फॉर, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 67 का। नंबर है द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी राइट्स फॉर अ लॉफुल पर्पस एंड इन अ लॉफुल मैनर इज नो रॉन्ग इवन इफ इट कॉजेज डैमेज, दिस इज नॉन एज डैमेन साइन इंजुरिया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन नंबर है रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर मीन्स, तो रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर मीन्स होता है मास्टर इज विकारियसली लाइबल, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70 क्वेश्चन नंबर मैच द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट एन ऑप्शन, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो बताना है, तो इसमें से करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 71 है द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज होल्ड
टू बी एप्लीकेबल टू एन एक्शन फॉर टॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विकैरियस लाइबिलिटी, तो इनमें से कौन सा जो विकैरियस लाइबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, तो लाइबिलिटी ऑफ द हस्बैंड फॉर द टॉट ऑफ हिज वाइफ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 है रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड अबाउट, तो यहाँ पर जो रूल्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था, तो जस्टिस भागवती, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 73 का। 74 है विच वन ऑफ डिफेंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम वॉलेंटी नन फिट इंजुरिया, तो कंसेंट द प्लेंटिफ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 75 द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज लेड डाउन इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव द रूलिंग डेट सॉवरेन इम्यूनिटी ऑफ द टेस्ट ऑफ द स्टेट इज सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77 लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल इज एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78 लाइबिलिटी इन टॉट डिपेंड्स ऑन, तो लाइबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनफ्रिंगमेंट ऑफ लीगल राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल मेंस रिया, तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है मेंस रिया में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू इनफोर्स ऑन, तो 17 अक्टूबर 2000 यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81 अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 एसमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हैज बीन डिफाइंड, तो किसमें डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2 क्लाउज सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लाउज एफ में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 82 है द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 46 ऑफ द आईटी एक्ट सेल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन टू एडजुडिकेट द मैटर इन विच क्लेम ऑफ लॉस डज नॉट एक्सीड टू, तो 5 करोड़ रुपीज, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 83 है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल अनलेस ही इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड टू बी, तो जज ऑफ द हाई कोर्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 85 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रिलेट्स टू एथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो यहाँ पर किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु विल इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट, तो सेक्शन 66 ए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 88 है, ये 88 क्वेश्चन नंबर डिलीट किया गया था तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है अंडर द प्रोविजन ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑफेंस ऑफ साइबर टेररिज्म शैल बी पनिश्ड बाय विच सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर है अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हु मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन, तो कौन एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर सकता है, पहला ऑप्शन है एग्रीव्ड पर्सन, सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफिसर, थर्ड है एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन एंड डी ऑल आर करेक्ट, तो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 91 है द ऑफेंस अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेल बी, तो क्या होता है ये कॉग्निजेबल एंड डनबलेबल ऑफेंस होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 92 है व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्डर मे बी पास्ड बाई अ मजिस्ट्रेट इन केसेस रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड वुमेन एंड अगेंस्ट द रिस्पॉन्डेंट, यहाँ पर ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी ऑर्डर एंड कंपनसेशन ऑर्डर, तो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93 अंडर वाट प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड ऑर्डर फॉर द टेम्प्रोरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन मे बी पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 21 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 94 है व्हाट इज द पेनल्टी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पॉन्डेंट, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और विद फाइन अप टू 20,000 और बोथ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रोसीडिंग टेकन इन गुड फेथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 35 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू, तो राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन किसके लिए अवेलेबल होता है, सिटीजन्स वनली, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।
97 है, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 98, स्टेट सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी शैल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 99, द प्रोविजन एज टू थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ दी फ्लोइंग सेक्शन ऑफ RTI एक्ट। तो सेक्शन 11 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर, द कमिश्नर ऑफ अ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सेल टेक ऑथ बिफोर। तो ये किसके सामने लिया जाता है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101, अंडर विच सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इज गिवन इन द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सेक्शन 16, इन विच सेक्शन गवर्नमेंट हैज़ पावर इज टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशन फॉरफिटेड। तो सेक्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 111 है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 द ट्रायल बिफोर स्पेशल कोर्ट शैल बी गवर्न बाय। तो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 112 है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 हु विल कंडक्ट द केस बिफोर द स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 द स्पेशल कोर्ट सेल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ कितने दिनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्रायल, तो 1 ईयर्स, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 114, अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 हु ईवर कमिट्स सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट फॉर। तो इंप्रिजमेंट कितना होता है, 3 ईयर्स, एंड फाइन भी होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 115, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इन विच सेक्शन द सेक्सुअल हरासमेंट डिफाइंड। तो सेक्सुअल हरासमेंट किसमें डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 11, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 116, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इन विच सेक्शन अबेटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल। तो सेक्शन 16 में दिया, सेक्शन 17 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 117, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 अंडर विच सेक्शन अ चाइल्ड हैव अ राइट टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्शन 14, सेक्शन 40। नेक्स्ट है 118, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इन विच सेक्शन प्रोसीजर प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 24, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 119, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेक्शन 22। नेक्स्ट है 120, इन विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 18 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 121, अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 इन विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ ब्रोथल इज गिवन। तो ब्रोथल का डेफिनेशन किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज ए में। नेक्स्ट है 122, विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर क्लोजर ऑफ ब्रोथल एंड इविक्शन ऑफ ऑफेंडर्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस। तो सेक्शन 18 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 123, विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सेक्शन 4 क्लॉज 1 में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन 6, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 124, सेक्शन मोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 हु हैज़ डिस्क्रिप्शन टू इस्टेब्लिश प्रोटेक्टिव होम्स एंड करेक्टिव इंस्टीट्यूशन। तो किसके पास ये पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 125, अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 द स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल कोर्ट्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन एरिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद। तो किसके कंसल्ट में ये अपॉइंट किया जा सकता है, इस्टेब्लिश किया जा सकता है स्पेशल कोर्ट, तो हाई कोर्ट के द्वारा कंसल्ट करके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को जितना हो फटाफट लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ 126 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, विद सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 प्रोवाइड्स पावर टू द कोर्ट टू ट्रैक केस समरली। तो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ, सेक्शन 22 क्लॉज बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विद सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग ऑन द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 नॉट बी इन डेरोगेशन ऑफ सर्टेन अदर एक्ट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 24, सेक्शन 24 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 129,
विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 प्रोक्योरिंग इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 5। नेक्स्ट है 130, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज गिवन। तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2 डबल ए के अंतर्गत में दिया हुआ है। नेक्स्ट 131 है, अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 स्विच सेक्शन प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर कीपिंग अ ब्रोथल और अलाउिंग प्रीमाइसेस टू बी यूज एज ब्रोथल। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 इज रिलेटेड टू कंडीशन टू बी ऑब्जर्व बिफोर प्लेसिंग पर्सन रेस्क्यूड अंडर सेक्शन 16 टू पेरेंट्स और गार्जियन। तो यहाँ पर सेक्शन 17 क्लाउज ए में दिया हुआ है, अंडर द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 विच सेक्शन इज रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर सिडक्शन ऑफ अ पर्सन इन अ कस्टडी। तो सेक्शन 9 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 134, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर एंड एडवाइजरी बॉडी इज गिवन। तो सेक्शन 13 यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 135, विच द इंडिसेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 डिफाइन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये किसमें डिफाइन किया हुआ है, तो सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफाइन किया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 136, हु हैज़ द पावर टू इंटर एंड सर्च अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 137, विच सेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। तो कौन सा सेक्शन में प्रोवाइड करता है, तो सेक्शन 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 138, अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 हु हैज़ दी पावर टू मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 139, विच सेक्शन ऑफ द जुनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डिफाइंस अबंडेंट चाइल्ड। तो किस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिफाइन किया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 140, हु हैज़ द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर द जुनियल जस्टिस एक्ट 2015। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। नेक्स्ट है 141, अंडर द जुनियल जस्टिस एक्ट 2015 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़ और बोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 142, विच सेक्शन ऑफ द जुनियल जस्टिस एक्ट 2015 प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री एडॉप्शन एंड ऑफ एन ऑर्फन और अबंडेंट और सरेंडर्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर सेक्शन 59 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 143 है, हु विल क्रिएट द जुनियल जस्टिस फंड अंडर द जुनियल जस्टिस एक्ट 2015। तो यहाँ पर कौन क्रिएट कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करेगी जुनियल जस्टिस फंड। नेक्स्ट है 144, अंडर द जुनियल जस्टिस एक्ट 2015 द पेनल्टी फॉर ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग इज। तो क्या हो सकता है, सेल्वी लाइबल फॉर टू इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और बोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 145 है, गिविंग एंड टेकिंग डॉरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। तो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस फॉर ऑफेंस अंडर द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 अपॉन द बोथ पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेन। तो दोनों को ले सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 147, इफ of bridegroom demands dowry from the paternal uncle of bride this act punishable under which section of the dowry provision act 1961। तो यहाँ पर सेक्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 148, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रिसीव्ड एट द टाइम्स ऑफ मैरिज इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है मैंडेटरी फॉर ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 149, इफ द ब्राइड डाइज विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरेज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कॉज देन हर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू हर मैरेज शैल बी ट्रांसफर टू। तो किसे ट्रांसफर किया जाएगा, चिल्ड्रेन इज नो चिल्ड्रेन देन पेरेंट्स हस्बैंड। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ चिल्ड्रेन एंड इज नो चिल्ड्रेन देन पेरेंट्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 और ये लास्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ ब्राइड गिव्स प्रेजेंट ऑफ कस्टमरी नेचर टू ब्राइड विच आर नॉट एक्सीडिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डाउरी दिस स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही या गलत वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये टोटल 150 क्वेश्चन जो एमपी एडीपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, और आप सभी को मैंने ये 150 क्वेश्चन करवा दिया है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक फटाफट करें, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को कागनी कीड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोटिफिकेशन अपडेट जानने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना हो सके अगर कोई भी तरह का आपको वीडियो चाहिए और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।